दोस्तों, कांग्रेस के जो भी प्रवक्ता हैं वह किसी राष्ट्रीय या नेशनल टेलीविज़न चैनल पे जब वो लोग अपनी बात को कहते हैं तो बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है वह राष्ट्रवाद की बात करती है और हिंदू मुस्लिम की बात करती है, वो विकास की बात क्यों नहीं करती। तो विकास की बात इन लोगों ने विकास किया ही नहीं है। कांग्रेस के लोगों ने विकास तो किया है, लेकिन जितना इस देश की क्षमता है या जो इस देश में जो पैसे हैं या जितना विकास करना चाहिए उतना विकास इन लोगों ने नहीं किया। इन लोगों ने विकास किया, देश के पैसे को बर्बाद किया, अपने रिश्तेदारों को अमीर बनाया और लाखों, लगभग 7 लाख करोड़ रुपए कांग्रेस के कार्यकाल में सन 2004 से लेकर 2014 तक इन लोगों ने बैंकों द्वारा लोन दिलवाया बड़े बड़े पार्टियों को, बड़ी बड़ी जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी। चूँकि लोन दिया इन लोगों ने और ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि नीरव मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपस में रिश्ता है और नीरव मोदी देश का पैसा लेके भाग गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सबके खिलाफ कार्रवाई करवाई और सब पैसा धीरे धीरे वसूल हो रहा है और जितना वो लोग लेके गए हैं उससे ज़्यादा पैसा वसूला जा रहा है। और बाकी जितने लोग हैं करप्ट लोग, कांग्रेस में हो चाहे नीरव मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो, चाहे कोई भी हो, उस सबके साथ वसूली किया जाएगा। और जो जो जिन लोगों ने इस देश को लूटा है उन सबको जेल के अंदर जाना है। तो दोस्तों, ये लोग बात करते हैं कि आप लोग राष्ट्रवाद की क्यों बात करते हो, तो इन लोगों ने राष्ट्रवाद के खिलाफ में अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें धारा 124A है वो हटा देंगे कि ताकि कोई भी आदमी आकर के इस देश में रहे, कुछ भी बोले, देश के विरोध में बात करे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, चाहे कश्मीर में हो चाहे वो केरल में हो। तो केरल में भी समस्या क्या है कि केरल में जो लोग, जिन लोगों का भी अरब से कनेक्शन रहा है, जो लोग भी अरब में जाते हैं वहाँ की वहाँ पे रहते हैं तो वहाँ क्या कमाते हैं और वहाँ क्या जो शिक्षा लेते हैं तो उनके, क्योंकि वहाँ से उनकी रोजी रोटी चलती है तो वो लोग वहाँ का गुणगान करते हैं और उन चीज़ों को यहाँ पे अमल में लाना चाहते हैं, उन चीज़ों को वहाँ पे फैलाना चाहते हैं। तो यही बात, इसी बात की, इसी वजह से तो, ऐसी विचारधारा की वजह से ही तो पाकिस्तान बना और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तो जो देशभक्त पार्टी है जो देश को सब लोगों को साथ में लेके चलना चाहती है, तो उनका ये जो कट्टरवादी विचारधारा के लोग हैं या इनके जो समर्थक है कांग्रेस पार्टी या जो जो अरविंद केजरीवाल है वो माओवादियों को सपोर्ट करता है, वो अर्बन नक्सलाइज को सपोर्ट करता है और ये खुद एक बहुत बड़ा अरविंद केजरीवाल है वो माओवादियों को सपोर्ट करता है छत्तीसगढ़ में। चूँकि ये लोग जो जितने ये लोग NGO चलाने वाले हैं तो भाई अपने देश में हो, आप जो को जो रोज़गार करना है करो, जो जिस बिजनेस में आप लगे हो, जिस नौकरी में आप लगे हो वो नौकरी करो, आप NGO क्यों चलाते हो। तो देखिए, कोई भी आदमी 1 रुपया किसी को फालतू में नहीं देता है। तो भारत में जो भी पैसा आता है NGO के माध्यम से, चाहे वो अरब से आए, तो वो यहाँ पे इस्लाम फैलाने के लिए आता है। भाई ज़रूरत क्या है इस्लाम फैलाने की, जहाँ पे इस्लाम है वहाँ पे ही तबाही है। तो तुम्हारा इस्लाम तुम्हारे पास रखो ना। तो ये लोग NGO के माध्यम से पैसा लाते हैं, अरविंद केजरीवाल और जैसे दूसरे लोग हैं, तो वो लोग भी देखिए, ये अरविंद केजरीवाल भी पाकिस्तान की ही भाषा बोलता है और कांग्रेस वाले भी उन्हीं की भाषा बोल रहे। तो जैसा आप लोग देखते हैं कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया है उसमें कहा गया है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 72,000 रुपये कुछ परसेंट गरीबों को देंगे।
तो ये कहाँ से देंगे ये बता नहीं रहे हैं। देखिए ये लोग सिर्फ लालच दे रहे हैं और इनकी सरकार तो बनने वाली है नहीं, क्योंकि ये सन 2014 से पहले, 2004 से 2014 तक इन लोगों का गवर्नमेंट था, तो ऐसी एक रुपए का कोई स्कीम लेके नहीं आए जिससे गरीबों को फ़ायदा हो। और ये 72,000 की बात कर रहे हैं, तो आयुष्मान जो योजना है जिसमें मेडिकल खर्च उठाया जाता है सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए तक, तो अगर एक आदमी, अगर परिवार का एक या दो आदमी भी बीमार पड़े, तो अगर मान लीजिए कि कोई भी आदमी अगर इस बीमार पड़ जाता है और उसको खर्च करना है उस बीमारी के इलाज में, तो कहाँ से पैसा लाएगा। लेकिन ये राहुल गांधी की जो कांग्रेस पार्टी है, तो वो क्या वो 72,000 रुपये का लालच देगी, लेकिन वो कितने लोगों को मिलेगा? वो 10% या 20% लोगों को दे सकते हैं। और लेकिन अगर किसी के परिवार में अगर 2-4 लाख रुपए का खर्चा आ जाए बीमारियों में, तो वो कहाँ से आएगा? और इसमें भी वो लोग घोटाला करेंगे। अगर उनकी सरकार तो बनने वाली है ही नहीं, अगर बनेगी भी तो उसमें भी वो उसमें गरीब किसको माना जाएगा, उसकी क्या उसको तो सिलेक्शन करने में ही कितनी दलाली आएगी, बीच में मीडिएटर आएंगे, और कैसे पहचान किया जाए कि कौन गरीब है। लेकिन आयुष्मान योजना में तो कोई जात का बंधन नहीं, कोई धर्म का बंधन नहीं, कोई भी आदमी है वो स्कीम ले सकता है, भारत का कोई भी आदमी उस स्कीम में आ सकता है। ये सब उल्लू बनाने का, लोगों को मूर्ख बनाने का धंधा है इन कांग्रेसियों का, आज से ही नहीं, बहुत साल पहले से, तो ये इनका स्कीम है। और दूसरा देखते हैं कि देखिए जैसे बिजली का कनेक्शन हुआ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बहुत ऐसी गांव थी जहां पे बिजली का कनेक्शन नहीं था, उनको दिया गया। उसके बाद से जिनके पास, जो गरीब लोग हैं बिलो पावर्टी लाइन, उनके पास गैस का कनेक्शन नहीं था, तो उनको मुफ्त में कनेक्शन दिया गया, शौचालय बनवा के दिया गया। और रोज़गार की बात करें तो देखिए पूरे देश में जिसके पास जितना क्षमता है, जिसके पास जितना एजुकेशन है, वो अपने एजुकेशन के हिसाब से उसको प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में सब जगह जॉब उनको मिल जाता है। तो ये लोग कहते हैं बेरोज़गारी की बात करो कांग्रेस वाले, लेकिन इन लोगों ने कोई रोज़गार, बहुत कम रोज़गार दिया। और इन्हीं ये सिर्फ क्या दिए देश के लोगों को, मुसलमानों का तुष्टिकरण किए, उससे मुसलमान लोग पीछे रह गए, मदरसा बनवा के दे दिए, तो वो लोग का पढ़ाई का जो लेवल है वो ख़राब हो गया। क्योंकि जो लोग मदरसा में पढ़ेंगे उसमें से कितने बच्चे हैं जो आगे बढ़ के बड़ा काम कर सके, बड़ी इंडस्ट्री लगा सके, क्योंकि वहाँ पे मदरसों में क्या पढ़ाया जाएगा कि ये ब्याज लेना हराम है, ये हलाल है, वो हलाल हराम, यही पढ़ते रह जाएंगे। वो दिन भर कितनी बार नमाज पढ़ें, और तलाक क्या होता है, ट्रिपल तलाक क्या होता है, दीन क्या होता है, धर्म क्या होता है। तो जो लोग इसी चक्कर में पड़े रहेंगे, भाई धर्म की बात करें तो हमारे भारत देश में ही कितना पुराना धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, हिंदू धर्म है, ये कई हजार सालों पुराने हैं, 2,500 साल लगभग, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म हो गया। तो जहाँ पे बौद्ध लोग हैं या जैन धर्म को मानने वाले हैं, वहाँ पर तो कोई हिंसा नहीं है, लेकिन ये 1400 साल पहले पैदा हुआ धर्म की वजह से ही दुनिया भर में कितना हिंसा हुआ, और भारत में ही कितने करोड़ लोग मारे गए इनके धार्मिक जो बादशाह थे, जिन्होंने इनके दीन को फैलाने में लिए कितने लोगों का कत्लेआम किया। तो ये लोग वापस अभी इसको इस फैला रहे हैं, भाई क्या ज़रूरत है फैलाने की? दीन तो ऊपर वाले की मर्जी से ही चलती है, ऊपर वाला जो परमात्मा है, परमपिता परमेश्वर है, उसकी मर्जी से ही ये अगर सब कुछ हो रहा है, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम्हें कौन सा खुजली पकड़ लिया है दीन फैलाने के लिए? और बार बार तुम्हारा दीन है वो खतरे में क्यों आ जाता है? तो देखिए बात हो रही थी कि कांग्रेस के जो लोगों की, तो इसमें तो जो बीजेपी का जो प्लान है, चाहे वो शौचालय बनाने का प्लान हो, चाहे वो लोगों का गैस कनेक्शन देने का प्लान हो, चाहे गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का प्लान हो, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो जिसमें
लोगों को मेडिकल खर्चा दिया जाना है, तो उसमें तो कोई भेदभाव नहीं है। और उसके बाद से जो किसान का जो सम्मान निधि है, जिसमें गरीब किसानों को जिनका एक लिमिट है उससे कम खेती है, तो उनको उन लोगों को सबको 6,000 रुपये मिलेगा। तो इसमें तो कितने परसेंट आएंगे इसका तो कुछ ठिकाना ही नहीं। इसमें तो बहुत से कम लोग हैं जिनके 2 एकड़ से ज़्यादा खेती है, तो सब इसमें तो पूरे देश के लोग आ जाएंगे। लेकिन जो राहुल गांधी का 72,000 का प्लान है, इसमें कितने लोग आ पाएंगे? वैसे तो उनकी गवर्नमेंट बनने वाली है नहीं। तो जो भारतीय जनता पार्टी जो स्कीम बनाती है, या भारत सरकार जो भी वर्तमान में है, तो वो लोग सोच समझ के स्कीम बनाते हैं ताकि मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। लेकिन कांग्रेस जो स्कीम बनाती है, सिर्फ देश को बर्बाद करने की स्कीम बनाती है, देशद्रोह करने की स्कीम बनाती है। और जो सैनिकों को जो पावर दिया गया है, उनके पावरों को कम करने की स्कीम बनाती है। यानी कि ये किसी भी तरह से ये सत्ता में वापस आना चाहते हैं, और वापस आ करके और देश को वापस बर्बादी की तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो इसलिए ये कांग्रेस के लोग जा करके सिर्फ चिल्लाते रहते हैं, और इनको सपोर्ट करने वाले कुछ मीडिया में कुछ चैनल वाले भी हैं जो इनको सपोर्ट करते रहते हैं, और वो बिके हुए हैं, वो अंदर से पता नहीं चलता है, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं। वो डिबेट जैसे शुरू होती है, वो लोग ऐसे क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री तो जाते हैं तो कहते हैं कि सेना के नाम पे वोट मांगते हैं। प्रधानमंत्री ने कभी सेना के नाम पे वोट नहीं मांगा। प्रधानमंत्री जी वोट मांगते हैं इसकी राष्ट्रवाद के नाम पे वोट मांगते हैं। तो सेना और इस देश की सरकार बटी हुई थोड़ी है, वो तो एक ही है ना। लेकिन ये लोग जब पहले आतंकवादी कार्रवाई करते थे, यहाँ पे हजारों लोग मारे जाते थे, तो कांग्रेस के लोग तो कुछ भी एक्शन नहीं लेते थे, सिर्फ कागज़ पत्र भेजा करते थे कि भाई आप लोग कार्रवाई करो। लेकिन मोदी सरकार ने कागज़ पत्र भेजना बंद कर दिया और डायरेक्ट सीधे कार्रवाई करके करना शुरू कर दिया, घर में घुस के मारना शुरू कर दिया। फिर ये लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इमरान खान से मिलने जाते हैं। अरे वो तो औपचारिकता है, एक तरफ वो मिलते भी हैं, दूसरी तरफ ठुकाई भी करते हैं। तो जैसी ज़रूरत हो वैसी करनी चाहिए, कि जब ज़रूरत हो मिलने के लिए तो मिल लेंगे, अब जब ज़रूरत हो ठोकने के लिए तो ठोक देंगे। लेकिन ये कांग्रेस वाले क्या करते हैं, मिलते भी नहीं हैं और ठोकते भी नहीं हैं। क्योंकि हम सिर्फ ये लोग न्यूट्रल रहना चाहते हैं, कुछ अच्छा काम तो करना नहीं चाहते हैं। लेकिन मोदी जी ऐसे नहीं हैं। जब मोदी जी शपथ ग्रहण किए तो अब नवाज शरीफ को बुलाया, बाद में वहाँ पे नवाज शरीफ से मिलने भी गए, उनकी माँ से मिल के आए, उनको साल दे के आए, फिर बाद में ये इससे इमरान खान से भी मिले। लेकिन उन्होंने जब जब गलती की तब तक ठुकाई भी की है। और ये लोग कहते हैं कि ये मनमोहन सिंह कभी नहीं गए वहाँ पे किसी से मिलने के लिए। अरे मनमोहन सिंह का भी तो नहीं किए कोई, मनमोहन सिंह का चलता कहाँ था, और कांग्रेस वाले उनको करने कहाँ देते थे, सोनिया और राहुल गांधी के अंडर में काम करते थे वो। इस तरह की बात करते हैं कांग्रेस वाले, जहाँ भी जाते हैं बोलते हैं कि मनमोहन सिंह कभी पाकिस्तान में नहीं गए। देखिए भारत के लिए नरेंद्र मोदी ने कहाँ कहाँ, चाहे इजराइल हो चाहे रूस हो चाहे, हर जगह पे नरेंद्र मोदी का सम्मान हुआ है, और क्यों ना होगा? क्योंकि कोई भी जब अपने ही घर में जिसकी इज्जत नहीं होगी, उसे दूसरा कौन इज्जत करेगा? तो भारत देश में भारत के खुद का इज्जत बढ़ा है, और दुनिया में भी इसका इज्जत बढ़ा है। और अब पूरी दुनिया देख रही है कि भारतीय संस्कृति और भारतीय जो वेद है, या जो उपनिषद है, या गीता, या भारत का जो परंपरा है, वो कितना समृद्धशाली है। लेकिन ये तथाकथित नए नए जो रिलीजन वाले पैदा हो गए हैं, वो दूसरे को रिलीजन सिखाते रहते हैं कि हमारे यहाँ ये लिखा है, वो लिखा है। अरे भाई, हमारे यहाँ से जो लिखा है उसमें से तुम्हारा 2% भी नहीं है अच्छी चीज़ें। हमारे यहाँ तो 89% अच्छी
98% अच्छी चीज़ें हैं, 1-2% वो समय के साथ उसमें कुछ गलतियां आ जाती हैं जिसको हम लोग सुधार लेते हैं। तो दोस्तों